अगर आप इलेक्ट्रीशियन सेकंड ईयर, तो 2022 का ये पूरा कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है 2023 में। हो सकता है इस पेपर से आपके एग्जाम में 75 क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है, फास्ट रिवीजन करवाऊंगा, सबसे फास्ट 75 क्वेश्चन में कम से कम अगर 30 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को अच्छे से कर लीजिए, और जो क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था इसका पूरा कॉपी पेस्ट 75, तो वो मैं आपको अभी जस्ट इसके तुरंत एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप लोगों को विश्वास हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से इस फास्ट को रिवीजन को कर लो और अपने यार दोस्तों को शेयर कर दो। 22 तारीख को सुबह 6 बजे आप लोगों के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की मैराथन क्लास करवाएंगे, तो व्हाट्सएप ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन में, वो क्वेश्चन करवाऊंगा प्रीवियस, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना, जिससे कि वीडियो का लाभ आपके दोस्त वगैरह भी क्या है ले सकें, ठीक है, तो उनका भी थोड़ा आराम हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन है और फास्ट तरीके से रिविजन करेंगे। ग्रुप को ज्वाइन कर लेना व्हाट्सएप ग्रुप को सभी लोग, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, घंटी को ऑल पर प्रेस कर लो, ठीक है, तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन है, डायनामिक्स और ट्रांजिएट के अनुसार ड्राइव का वर्गीकरण कौन सा है। तो आईटीआई के स्टूडेंट और डीजीटी का आंसर होता है जो हरा वाला, वो देखो मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, ये है डीजीटी का आंसर, ये है आईटीआई के स्टूडेंट का आंसर, तो दोनों लोगों ने सही लगा है, परिवर्तनीय स्थिति नियंत्रण ड्राइव। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ईएमएफ की गणना करने के लिए सूत्र क्या है डीसी मोटर का। दोनों लोगों ने इसका सही आंसर लगाया, ए बी बराबर वी माइनस ए आई ए आर ए वोल्टेज, ठीक है, वोल्ट्स, बी सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन है, किस प्रकार का लोड जी श्रेणी एमसीवी द्वारा संरचित होता है। लेकिन आईटीआई के स्टूडेंट ए ऑप्शन लगाया जो कि गलत आंसर हो जाएगा, और सही आंसर जो हो जाएगा एयर कंडीशन, ये गलत हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, कौन सा मल्टी वाइब्रेटर एक रिपोर्टिव पल्स वेव फॉर्म आउटपुट उत्पन्न करता है। कौन सा करता है, अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, जो कि सही आंसर है, लेकिन आईटीआई के स्टूडेंट ने क्या लगाया, गलत आंसर लगाया, वाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, जो कि गलत आंसर है। अगला क्वेश्चन है, संयोजन का चयन करने के लिए मानदंड क्या है, बताइए। तो मानदंड क्या है, दोनों लोगों ने इसका सही लगाया है, आपूर्ति वोल्टेज और लोड, जो कि सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, लंबी दूरी को वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। तो दोनों लोगों ने ए ऑप्शन जो है आईटीआई के स्टूडेंट ने लगाया, शंट जनरेटर, जो गलत है, संचयी योगिक जनरेटर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो सही आंसर है वो डी वाला। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, अभी बहुत तेज करेंगे, ठीक है। एसी मोटर का स्टार्टर का नाम क्या है, ये डायग्राम देख सकते हो, अच्छे से देख लीजिए, अगर एग्जाम में आ जाए तो इस डायग्राम को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलेंगे हम ऑटो ट्रांसफार्मर, क्या बोलेंगे, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, ठीक है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए अगर एग्जाम में आ जाए, आएगा नहीं आएगा। एक निष्क्रिय घटक कौन सा है, तो कैपेसिटर का है निष्क्रिय घटक है, डायोड डायक और ट्रांजिस्टर ये सभी एक्टिव है, जो गलत आंसर ए लगाया है, और डी आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा, अगर एग्जाम में आए तो डी लगाना आपको। अगला क्वेश्चन है, गति नियंत्रण को कौन सी विधि केवल 3 कला की स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए आरोपित है, बताइए। तो वो हो जाएगा रोटर रियोस्टेट गति नियंत्रण, ठीक है, जो कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा अगर एग्जाम में आ जाता है। क्यों पोल कोर टाइपिंग डीसी जनरेटर में प्रचलित करते हैं, भंवर धारा हानि को कम करें या फिर घर्षण को कम करें। तो देखो बी ऑप्शन जो कि गलत आंसर है, भंवर धारा हानि को कम करने के लिए पोल कोर स्टंपिंग डीसी जनरेटर में प्रचलित करते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे,
कन्वर्टर का नाम क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो इस कन्वर्टर का नाम क्या है, देख लो अच्छे से। अगर ये एग्ज़ाम में आ जाए इस तरीके का डायग्राम आपको 8 या 10 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे। 2023 में भी भर भर के आए थे और 2022 में भी भर भर के आए थे और हो सकता है 2024 में भी भर भर के। तो इनसे आपको डरना नहीं है क्योंकि यही तो आपको मेरिट में लाएंगे जब आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप करोगे, ठीक है। चलिए तो डिवाइस का सिंबल का नाम क्या है, चलिए डिवाइस देख लेते हैं। ये रहा, इस सिंबल का नाम क्या है, सभी लोग देख लीजिए इसको। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ड्राइक एसी, यानी कि डायक। लेकिन आईटीआई के स्टूडेंट ने क्या लगाया है, उसने लगाया है बी ऑप्शन, जो कि क्या हो जाएगा, गलत आंसर हो जाएगा। सही आंसर इसका ड्राइक है, ठीक है, अगर एग्जाम में आ जाए। अगला क्वेश्चन, इन्वर्टर का कार्य क्या है, सब लोग जानते हैं इन्वर्टर का कार्य डीसी जो होती है हमारी बैटरी में उसको एसी में परिवर्तित कर देता है। लेकिन आईटीआई के स्टूडेंट ने क्या लगाया है, एसी को डीसी में बदलना, समझ रहे, इलेक्ट्रीशियन का छात्र और सेकेंड ईयर का छात्र है, समझ रहे, बिल्कुल कुछ पढ़ा ही नहीं मुझे लग रहा, ठीक है। चलिए, कौन सी कुचालक सामग्री है, तो सीधी सी बात है फाइबर ग्लास जो है कुचालक सामग्री हो जाएगी। दोनों लोगों ने सही आंसर इसका लगाया है। एसी वाइंडिंग में कफिंग के लिए किस इंसुलेशन का उपयोग किया जाता है, तो कपड़े पर आधारित चिपकने वाला टैप, जो कि सही आंसर भी हो जाएगा। और आईटीआई के स्टूडेंट सी ऑप्शन लगाया है, जो कि गलत आंसर लगाया है, ठीक है। आपको गलत नहीं आंसर लगाना है, इसीलिए मैं ये फास्ट रिविजन करवा रहा हूँ। कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त गौड़ का क्या नाम है, इस फास्ट रिवीजन से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इसको बताना है, इस डायग्राम को क्या है, देख लीजिए अच्छे से। तो बिल्कुल सही, आईटीआई के स्टूडेंट ने गलत आंसर भी लगाया है, सिरा संयोजक, जो कि गलत आंसर है। क्या है ये, गलत आंसर है। सही आंसर तो भाई ग्रोमेट है, क्या है ये, ग्रोमेट है। आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चन है, पैनल बोर्ड में दो अलग अलग अर्थिंग करने का क्या कारण है, दोनों लोगों का अलग अलग आंसर लगाया हुआ है। आईटीआई के स्टूडेंट ने गलत आंसर लगाया, सही आंसर डी होगा इसका, ठीक है, डी आंसर सही होगा। अन्य विफलता के मामले में एक अर्थिंग सुनिश्चित करें। चलिए आगे चलते हैं, ये रहा अच्छा क्वेश्चन है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, अब इसे बताना है क्या है। डायग्राम सभी लोग अच्छे से देख लो, अगर ये एग्जाम में आता है कल तो आप लोग इसको क्या लगाओगे, पोलसू, ना कि ध्रुव नोकसू, जो कि गलत आंसर क्या है इसका, डी आंसर आईटीआई के स्टूडेंट लगाए। और डीजीटी का सही आंसर है पोलसू, एकदम राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन, खाक मिश्रण मोटर में किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग किया जाता है, तो कौन सी किया जाता है, श्रृंखला क्षेत्र टैपिंग विधि का प्रयोग किया जाता है, ए ऑप्शन। लेकिन आईटीआई के स्टूडेंट इसका गलत आंसर लगाया है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, चार बिंदु स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े प्रतिरोधक को उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य ये है एनबीसी में धारा सीमा करना। लेकिन आईटीआई के स्टूडेंट क्या लगा है, बी ऑप्शन, जो कि गलत आंसर उसने लगाया है। आगे देखेंगे, इसका बताना है, ट्रांजिस्टर बेस में C1 के माध्यम से L1 को जोड़ने का उद्देश्य क्या है, देखो ये रहा C1 और L1 को जोड़ने का उद्देश्य क्या है, देख लो सब लोग, इसका उद्देश्य ये है कि सकारात्मक फीडबैक प्रदान करना। लेकिन आईटीआई के स्टूडेंट इतना ज़्यादा होशियार था, वो क्वेश्चन पे गलत पे गलत गलत पे गलत करता चला जा रहा है, ठीक है। ऐसी गलतियां अगर आप करोगे तो भविष्य में मुझे नहीं लगता कि आप लोग पास हो जाओगे, ऐसी गलतियां मत करना। अगला क्वेश्चन है, एसी और डीसी दोनों में किस प्रकार के रिले का उपयोग किया जाता है, तो आवेग रिले का प्रयोग करते हैं, कौन सा, आवेग रिले, जो कि इसका डी आंसर तो सही है लेकिन आईटीआई के स्टूडेंट ने गलत आंसर लगाया है। अगला क्वेश्चन ये रहा, औद्योगिक अनुप्रयोग में मोटर्स के अनुक्रमिक नियंत्रण की आवश्यकता क्यों है, ऑपरेशन की सटीकता बढ़ाने के लिए, बिल्कुल सही आंसर ए हो जाएगा, गलत आंसर इसने लगाया है। आगे देख लेते हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा 75 में से इसके वही 20-25 क्वेश्चन सही होंगे। डीसी मोटर में करंट की दिशा किस नियम के द्वारा निर्धारित किया जाती है, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम से निर्धारित की जाती है, जो कि डी ऑप्शन सही है, गलत आंसर इसने लगाया है सी। आगे क्वेश्चन देखेंगे, पोल वाइंडिंग को एसी वाइंडिंग में स्लॉट के माध्यम से कैसे मापा जाता है, देखो जो कि आईटीआई के स्टूडेंट ने गलत आंसर लगाया भी, सही आंसर जो हो जाएगा ये नो ऑफ स्लॉट्स इन द स्टार्टर, नो
नंबर ऑफ पोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ स्लॉट्स इन द स्टार्टर और नंबर ऑफ पोल्स, बिल्कुल सही। जब भी एग्ज़ाम आए तो आपको यही लगाना है मेरे दोस्त, तो ही आप सही कर पाओगे, नहीं तो यहाँ से दो नंबर गवा दोगे आप लोग एग्ज़ाम में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हो, ध्वनि रिकॉर्डिंग उपकरणों के लिए हिस्टेरिस मोटर उपयुक्त क्यों है? तो प्रशांत प्रचालन के लिए उपयुक्त है, जो कि ए ऑप्शन तो इसका सही है, सी आंसर ITI के स्टूडेंट इसका गलत आंसर लगाया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन है हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए AC ड्राइव बेहतर क्यों है? बताइए क्यों बेहतर थी? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा सी इसका सही, कोई ब्रश और कम्यूटेशन नहीं है इसलिए। लेकिन ITI के स्टूडेंट क्या किया, इसका गलत आंसर लगाया। देख रहे ये गलतियां दिखाने के लिए मैं आपको कर रहा हूं कि एग्ज़ाम में आप कैसे गलतियां करते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिक प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के DC जनरेटर का उपयोग किया जाता है? बताइए ये रहा ऑप्शन, दोनों लोगों ने सही लगा दिया, यहाँ पर शंट जनरेटर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप क्या लगाओगे, इसका शंट जनरेटर। अगला क्वेश्चन ये रहा, कहाँ DC मिश्रित मोटरों को प्राथमिकता दी जाती है, कहाँ पर करते हैं? तो सीधी सा राइट आंसर है B, दोनों लोगों ने इसका सही आंसर, अलग अलग रोड आवश्यकताओं के अनुसार नियत गति, जो कि इसका B ऑप्शन सही है। आगे देखेंगे, आगे हमारा क्वेश्चन है इंडक्शन मोटर के रोटर में वोल्टेज कैसे प्राप्त होता है? दोनों लोगों ने इसका सही आंसर लगाया है, क्या लगाया है देखिए, दोनों लोगों ने B ऑप्शन लगाया है, DGT ने और ITI के स्टूडेंट, स्टेटर और रोटर का ट्रांसफार्मर कार्य द्वारा, जो कि B ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे हमारा क्वेश्चन है पोलो वोल्टिक सेल बनाने के लिए प्रयुक्त सामग्री का नाम क्या है? उस सामग्री का नाम सिलिकॉन आर्सेनिक क्या है? चलिए कमेंट करेंगे जल्दी से। तो जो भी साथी इसका लगाए थे, मतलब जो ITI का स्टूडेंट, C ऑप्शन जो गलत है, सही आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। सिलिकॉन एकदम राइट आंसर, दो नंबर तभी आपको मिलेंगे जब आप सही करोगे। किस प्रकार की आर्मेचिंग वाइंडिंग का चित्रण है ये देख सकते हो आप, जब भी इस तरीके का अगर डायग्राम अगर आता है तो आप डायरेक्ट आंसर लगाएंगे कि इसे बोले डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग, जो कि C आंसर इसका सही, दोनों लोगों का सही आंसर है। देखो फिर उसने गलत कर दिया है, आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के DC जनरेटर का उपयोग किया जाता है? तो उसने लगाया शंट जनरेटर, जो कि क्या है गलत, ये तो गलत, सही आंसर जो हो जाएगा विभेदक यौगिक जनरेटर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर ये रहा, एक साधारण इन्वर्टर में महत्वपूर्ण चरण क्या है? बताइए दोलक एम्पलीफायर और ट्रांसफार्मर उत्पादन चरण, बिल्कुल सही है, दोनों लोगों ने इसका सही आंसर लगाया। आगे देखेंगे, ये रहा क्वेश्चन स्वचलित वोल्टेज स्टेबलाइजर के लिए किस फीडबैक नेटवर्क का उपयोग किया जाता है? वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क का उपयोग किया जाता है, जो कि D ऑप्शन सही है, ये ITI वाला स्टूडेंट ने गलत आंसर लगाया है। आगे देखेंगे, आगे हमारा क्वेश्चन ये रहा, X के रूप में चिन्हित भाग को बताना है, ये देखो इसे बताना, इसे क्या बोलते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर ये एग्जाम में आ जाता है तो बिल्कुल सही, जो कि ITI के स्टूडेंट गलत आंसर लगाया B, जो कि सही आंसर जो है कुंजी तरीका ठीक करने के लिए A ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा अगर एग्जाम में ये आ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है पवन शक्ति उत्पादन का प्रमुख नुकसान क्या है? तो दोनों लोगों का सही है, पवन ऊर्जा नियत और स्थिर नहीं है, B ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, क्या B ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है DC श्रृंखला मोटर की फील्ड वाइंडिंग मोटी तार के साथ वाउंड क्यों की जाती है? तो वाउंड क्यों करते हैं, तो याद रखना है लोड करंट को ले जाने के लिए, ना कि फील्ड वोल्टेज को नियमित करने के लिए, B ऑप्शन गलत है, ITI के स्टूडेंट का आंसर गलत है। अब वर्कशॉप कैलकुलेशन देखेंगे, विकृति की इकाई क्या है? तो विकृति इकाई जो हो जाएगी 9 यूनिट, इसकी कोई भी विकृति की इकाई यूनिट नहीं होती है, लेकिन ITI के स्टूडेंट क्या क्या गलत आंसर लगाया है। चलिए आगे देखते हैं, आई किसको निरूपित करती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दोनों लोगों का आंसर सही है, इंटरेस्ट को निरूपित करती है, C ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्नेहक का उद्देश्य क्या है? स्नेहक का उद्देश्य है घर्षण को कम करने के लिए, लेकिन उसने क्या लगाया ITI के स्टूडेंट ने गलत आंसर, क्योंकि उल्टा चला वो उल्टा आंसर दे रहा है, बढ़ाने के लिए ऐसा थोड़ी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा प्राधिकरण दरों के अनुसूची को प्रकाशित करता है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा सरकारी विभाग, D ऑप्शन, और C ऑप्शन गलत है ITI के स्टूडेंट का। चलिए
लास्ट क्वेश्चन, कौन सा प्रतिबल है? देखिए दोनों तरफ लग रहा है, तो इसे क्या बोले? कर्तन प्रतिबल, जो कि सही आंसर जो है सी ऑप्शन, और आईटीआई के स्टूडेंट गलत लगाया है, ठीक है, कर्तन बल है प्रतिबल। अगला लास्ट क्वेश्चन है, 14x+3y+25x+2y का मान क्या है? तो इनका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, इनको क्या करना है आपको, प्लस प्लस देख के सबको जोड़ देना है, तो राइट ऑप्शन दोनों लोगों का सही आंसर हो जाएगा डी, अगर ये एग्जाम में आ जाता है। अब हम देखेंगे इंजीनियरिंग का, नोज प्लेयर कौन सा है? यहाँ पर आप देख सकते हो नोज प्लेयर कौन सा है, चलिए देख लेते हैं इसके ऑप्शन। अच्छा इसमें ये बताना कौन सा नोज प्लायर है, तो देखो ए भी नहीं है, बी है, बी कौन सा है, नोज प्लायर, और नोज प्लायर जो चोंच होती है वो बड़ी होती है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाए अगर एग्जाम में आ जाता है तो, ठीक है। तो नोज प्लायर कौन सा है, बी वाला। चलिए आगे देखेंगे, ये रहा क्वेश्चन, पृथ्वी का प्रतीक क्या है, मतलब पृथ्वी का हमें प्रतीक बताना है, तो कौन सा है? पहला है, हम कहेंगे पहला नहीं है, दूसरा है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा है, तीसरा भी नहीं, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन पृथ्वी का जो है डी ऑप्शन, दोनों लोगों ने इसका सही आंसर लगाया, ये क्या है, पृथ्वी का प्रतीक है अगर एग्जाम में आ जाए तो। बिना स्विच पी के मुख्य फ्यूज बोर्डन के लिए चिन्ह चुने, तो ए ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा, अच्छे से देख लीजिए इसको डायग्राम, नहीं तो दो नंबर आप अपने एग्जाम में गवा ही दोगे, जो कि गलत आंसर देखो इसने किया आईटीआई के स्टूडेंट ने, इसने लगाया बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन था ना वाल्पिन हैमर कौन सा है, देखो ये भी नहीं, ये मैलेट है पहला वाला, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वाल्पिन बाल जैसा होता है, गेंद जैसी ऊपर रहती है, दोनों लोगों का सही आंसर हो जाएगा ये वाला। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन कह रहा प्रत्यक्ष और प्रत्यावर्ती करंट के लिए प्रतीक की पहचान करें, तो करंट जो होता है ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है, एसी का, कभी कम कभी ज़्यादा, तो बी ऑप्शन इसका सही है, जो कि सही है, लेकिन आईटीआई के स्टूडेंट इसका गलत आंसर लगाया है, ठीक है। देखिए देखिए उसमें पट्टी और देखना पड़ेगा उसमें, ठीक है, हरे हरे, और इसमें नहीं है, तो कुछ भी फर्क था, कुछ भी नहीं था, बस थोड़ा सा देखने का नज़रिया था। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इंजीनियरिंग का, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में माइक्रोफोन के लिए उपयोग किए जाने प्रतीक का चिन्ह क्या है, तो ए ऑप्शन भी नहीं है, बी ऑप्शन भी नहीं है, सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा इस तरीके से। अगर इस तरीके से आपको मिलता है तो आपको यही आंसर लगाना, तो ही आपको दो नंबर मिलेंगे। चलिए वर्क अब हम देखेंगे, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ट्रांसिशन क्या है, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा एक एक करके स्लाइड को चलाना, डी ऑप्शन सही है, आईटीआई के स्टूडेंट ने इसका गलत आंसर लगाया। अगला क्वेश्चन है, कटे और साफ नाखून रखना, दिन में दो बार दांतों को ब्रश करना, भोजन से पहले और भोजन और बाद में हाथ धोना, ये उच्च सभी जो उदाहरण है स्वच्छता के, ये किसके उदाहरण है, ये व्यक्तिगत के, दोनों लोगों का सही आंसर इसमें हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन है इंटरनेट पर शेयर की गई मीडिया प्रेजेंटेशन को क्या कहते हैं, तो उसे बोलते हैं वेबकास्ट, और आईटीआई के स्टूडेंट ने इसका गलत आंसर लगाया है, क्या बोलते हैं उसे, वेबकास्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वे करते समय याद रखने वाली तीन महत्वपूर्ण बातों को क्या, तीन महत्वपूर्ण बातें क्या हैं, तो सीधी सी बात है, लिस्बन ओवरशन ओवरशर्व लर्न, ये सभी के सभी हो जाएंगे, लेकिन आईटीआई के स्टूडेंट ने क्या लगाया है, बी ऑप्शन, नहीं बी ऑप्शन कहते हैं गलत, सी ऑप्शन इसका सही, आपको यही करना है एग्जाम में आता है तो। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, रूल्स मॉडल्स खाली स्थान पीपल्स टू फॉलो देम, तो वो इंस्पायर होते हैं, इंस्पायर को फॉलो करते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल सही, दोनों लोगों का इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, यदि हम यह नहीं सीखते हैं कि खाली स्थान को कैसे नियंत्रित करना है और तो इससे संबंध बिगड़ सकते हैं, क्रोध को हमें नियंत्रित करना ही पड़ेगा, नहीं तो रिश्ते खराब हो जाते हैं, दोनों लोगों ने इसका सही आंसर लगाया है। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन देखिए क्या है, एक मिनट, ये रहा, मैग्निफिसेंट शर्प लेंथ ब्रेड्स आर एग्जाम्पल, ये सभी के सभी जो एग्जाम्पल हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स के, दोनों लोगों का सही आंसर अगर एग्जाम में आ जाए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आपको कुछ लोगों को गांव के बच्चे होंगे उनको ये टफ लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये इंग्लिश में है, ठीक है, आपको यही लगाना है, क्या डिस्क्राइबिंग वर्ड है ये सभी। चलिए आगे देख लेते हैं,
आगे हमारा क्वेश्चन, देयर आर, तो देयर खालिस्तान ए कॉफी शॉप खालिस्तान द पार्क, तो देयर आर इज ए कॉफी शॉप नेक्स्ट टू द पार्क, जो कि सी ऑप्शन दोनों लोगों का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन ये रहा, ये क्वेश्चन आपको इंग्लिश में ही मिलेंगे क्योंकि इंग्लिश ही क्वेश्चन है, इसलिए आप यहाँ से दो दो नंबर काट के यानी गलत आंसर एग्जाम में करके आते हो। द कंडीशन इन ए पैलेस डेट अफेक्ट द बिहेवियर द डेवलपमेंट ऑफ सम बॉडी फॉर समथिंग इज कार्ड, तो ये हो जाएगा इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट आपको क्या करना है, सही आंसर लगाना, ना कि डी ऑप्शन। डी ऑप्शन क्या जाएगा गलत, आप अच्छे से पढ़ लीजिए और आप एग्जाम में इन्वायरमेंट लगाएंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हमारे संवाद हमारे खाली स्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, हमारे व्यक्तिगत और व्यवसायिक जीवन में भूमिका निभाते हैं, जो कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एलेक्सा है, कॉर्टाना इंस्टर्टन गूगल शेरी एंड वेस्टर्न आर, ये सभी के सभी किस श्रेणी में आते हैं, तो राइट ऑप्शन जो हो जाए वॉइस रिक ग्रीशन डिवाइस है, आवाज़ की पहचान के उपकरण है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इसका सी था, आईटीआई के स्टूडेंट क्या लगा ए ऑप्शन, ये कि गलत आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में किसका फुल फॉर्म है, तो किसका, कीप इंफॉर्मेशन शॉर्ट द सिंपल, राइट आंसर दोनों लोगों का सही आंसर बी है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, चेंज द वर्ब टुक इन द पैसिव वॉइस, तो वाज टेकन वर टेकन ए ऑप्शन ही सही है, दोनों लोगों का सही, अगर एग्जाम में आ जाता है दो नंबर यहाँ से आपको मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर को वायरलेस कनेक्ट करने का सामान्य तरीका क्या है, वो हम वाईफाई के द्वारा कनेक्ट कर सकते हैं, दोनों लोगों ने इसका सही आंसर लगाया ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन है, सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, सभी कंपनियों को अपने कार्यस्थल में खाली स्थान को लागू करना चाहिए, तो कार्यस्थल और सुरक्षा जो कि बी ऑप्शन इसका सही है, दोनों लोगों का सही आंसर है। अब थोड़ा ये क्वेश्चन सही लगा रहा है स्टूडेंट, देखो फिर उसने गलत कर दिए क्वेश्चन, इनमें से क्या एक संसाधन नहीं है, तो व्यापार में घाटा नहीं है, उसने लगाया है ग्राहक का डाटाबेस, जो कि गलत आंसर हो जाएगा, सही आंसर जो हो जाएगा वो बी ऑप्शन सही आएगा। आगे देखेंगे, क्वेश्चन है, करिक्यूलम वाइटे को भी खालिस्तान कहा जाता है, तो रिज्यूम को कहा जाता है, किसको, रिज्यूम, सी ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि आईटीआई के स्टूडेंट ने ए ऑप्शन लगाया है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, कम दूरी पर स्थित और मोबाइल डिवाइस के बीच डेटा का आदान प्रदान करने के लिए किस वायरलेस टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड का उपयोग किया जाता है, तो वो होता है ब्लूटूथ का उपयोग करते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन जो कि सही आंसर, दोनों लोगों का ये आंसर सही। आगे क्वेश्चन देखेंगे, केवल आनंद के लिए गाने सुनना किसके तहत कहलाता है, तो वो होता है सहारणीय के रूप में सुनना, दोनों लोगों ने इसका सही आंसर लगाया ए ऑप्शन, अगर एग्जाम में आ जाए तो आपको यही लगाना है। कंप्यूटर या मशीन की मानव मन की क्षमताओं की नकल करने की क्षमता खाली स्थान को कहा जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिल्कुल दोनों लोगों ने इसका सही आंसर लगाया, एग्जाम में आ जाए तो सी ऑप्शन आपको, यही आंसर आपको लगाना पड़ेगा। आगे देखेंगे, आगे हमारा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है अच्छे से देखिए, ये रहा क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट हेल्प अस टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटी, ये सभी हमारे हॉबीज हैं, तो दोनों लोगों ने इसका सही आंसर लगाया है सी। आगे देखते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन है, प्रचार ने सभी छात्रों द्वारा इस ड्रेस को पालन करने के बारे में सर्कुलर जारी किया है, यह एक खालिस्तान संचार है, तो यह फॉर्मल कैसा है, फॉर्मल है, औपचारिक है, तो दोनों लोगों का सही आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, इनमें से व्यवसाय शुरू करने के लिए धन जुटाने का स्रोत नहीं है, तो किसमें, म्यूचुअल फंड निवेश में, जो कि बी ए ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन गलत आंसर दे। चलिए आगे देख लेंगे, क्वेश्चन है, इंटरव्यू के दौरान क्या नहीं करना चाहिए, इधर उधर देखना और जवाब देना नहीं चाहिए, बाकी हमारे सभी सही हो जाएंगे, दोनों लोगों ने इसका सही आंसर लगाया है। लास्ट क्वेश्चन है, आमने सामने संवाद में शब्दों का महत्व क्या है, कितने परसेंट है, 100, 38, 5%, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 7%,
तो मैंने आपको कितने करा दिए क्वेश्चन अभी तुरंत फास्ट रिवीजन में 25 मिनट में मैंने आपको करा दिए 75 क्वेश्चन। इन 75 क्वेश्चन से 25 से 30 क्वेश्चन आपके एग्जाम में 22 तारीख को देखने को मिलेंगे। और 22 तारीख का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर जैसे ही खत्म होगा 11 बजे के बाद तुरंत आप लोगों के लिए लाइव आऊँगा और आपको क्वेश्चन बताऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटी को और पर प्रेस कर लो, ठीक है। और व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, अगर आपको वीडियो की लिंक नहीं पहुँचेगी तो व्हाट्सअप ग्रुप में मैं शेयर कर दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।